हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज शेडी ब्लॉगर प्रीति और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अगेन एक दूसरा वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम घर पे ही हम जो काले मूंग होते हैं, हरे मूंग होते हैं, मटकी होती है या फिर चना होता है, इसे हम घर पे ही बहुत ही अच्छे से अंकुरित किस तरह से कर सकते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस में बहुत ही डिटेल में अच्छे से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए एंड तक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये देसी जो मूंग होते हैं, मूंग और मटकी, वो ले ली है। इसे मैंने अच्छे से साफ़ करके 2 से 3 पानी से धो लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बर्तन में यहाँ पे गर्म पानी लिया है, मैंने हल्का गुनगुना सा पानी लिया है ये जो मूंग और मटकी है इसे भिगोने के लिए। इसे हम अच्छे से 2 से 3 पानी से हमने ये जो हमारा अनाज है मूंग और मटकी इसे धो तो लिया ही है हमने। इसे हम अब ये जो गर्म पानी है इसमें 4 से 5 घंटों के लिए भीगने के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों ही अच्छे से इस गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिया है। अब हम इस पे ढक्कन डाल के इसे 5 से 6 घंटे के लिए भी हम इसे छोड़ देंगे। जैसे ही 5 से 6 घंटे हो जाएंगे हम ये देखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये भीग गए अच्छे से। तो हमें ये जो पानी है ये निकाल के इसे फिर से अच्छे से ये जो मूंग और मटकी है 2 से 3 पानी से धो लेना है। इससे क्या होता है, इसमें जो बदबू आती है गंदी वाली वो नहीं आती है और हमारे जो स्प्राउट्स है वो भी बहुत ही अच्छे से स्प्राउट्स होते हैं। हमारे ये जो मटकी और मूंग है अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें ये 2 से 3 पानी से धो लेना है। उसके बाद हमें ये हमारे घर घर में ये जो छन्नी होती है सभी के पास अवेलेबल होती है, सभी के पास होती है। तो इसके नीचे जो भी बर्तन अच्छे से फिक्स हो जाएगा ऐसा बर्तन लेना है और ये छन्नी लेनी है। इसके ऊपर हमें ये मूंग और मटकी अच्छे से फैला देने हैं। फैला के हमें इस पर एक कोई भी नैपकिन जो है वो हल्का सा गीला कर लेना है और इसके ऊपर डाल देना है। ये प्रोसेस मैं रात के वक्त कर रही हूँ, तो ज़्यादातर ये हमें रात के वक्त ही करनी चाहिए, जिससे कि पूरी रात के लिए हम इसे अंकुरित होने के लिए छोड़ देंगे और दूसरे दिन हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरी रात इसे अच्छे से अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये अंकुरित हो गए हैं। तो नीचे भी इसका पानी भी नीचे ड्रेन हो गया है और ये हमारे मूंग भी अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। तो इस तरह से अगर आप मैंने जो प्रोसेस बताई है इस तरह से ये फॉलो करते हैं तो आपके भी इसी तरह से बहुत ही अच्छे और अच्छे वाले जो स्प्राउट्स है वो बनके तैयार हो गए। ये बहुत ही अच्छे से अंकुरित हो गए, ये देखिए आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से ये अंकुरित हो जाते हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे मैंने बताई है जो मेथड है, तो आपके भी इसी तरह से मूंग अच्छे से और मटकी अच्छे से